चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है अमेरिका ने, इस पर कि आखिर अमेरिका ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है और ये स्टेटमेंट कितना उचित है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है। हालांकि पाकिस्तान दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, उसके पास पांचवी सबसे बड़ी मिलिट्री है, परमाणु हथियार के मामले में विश्व में छठे नंबर पर है, लेकिन पाकिस्तान के खराब आर्थिक हालात, राजनीतिक अस्थिरता और शिक्षा एवं जॉब के अभाव में तेजी से बढ़ती आबादी, साथ ही सेना का सत्ता पर अघोषित नियंत्रण ही पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बनाता है। बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश कहा जा रहा है। इसमें पहला कारण है पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो हमेशा विवादों में रही है। 17 सितंबर 1974 को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जनक कहे जाने वाले अब्दुल कादिर खान उस वक्त के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को एक लेटर लिखते हैं। वह उन्हें परमाणु बम बनाने का ऑफर देते हैं। खान उस समय फिजिकल डायनामिक्स रिसर्च लेबोरेटरी नीदरलैंड में काम कर रहे थे। उसके अगले ही साल यानी 1975 में खान जिस लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, वहां से सेंट्रीफ्यूज की ड्राइंग यानी डिज़ाइन के साथ उस लिस्ट को भी चुरा लेते हैं जहां से इसके लिए इक्विपमेंट मिलते हैं। चोरी करने के बाद 15 दिसंबर 1975 को अब्दुल कादिर खान नीदरलैंड से भाग आते हैं। इसके बाद खान की मदद से पाकिस्तान साल 1998 में परमाणु ताकत बनता है, यानी पाकिस्तान के परमाणु हथियार को बनाने की शुरुआत ही चोरी से होती है। पाकिस्तान को परमाणु ताकत बनाने के बाद 1980 के दशक के मध्य में खान दुबई, मलेशिया और अन्य जगहों पर ब्लैक मार्केट के जरिए सेंट्रीफ्यूज कंपोनेंट्स और डिज़ाइन बेचने का काम करने लगते हैं। खान के कस्टमर्स में ईरान शामिल था, जिसने पाकिस्तानी मॉडल के आधार पर यूरेनियम संवर्धन परिसर का निर्माण किया। अब्दुल कादिर खान इसके साथ ही कम से कम 13 बार उत्तर कोरिया का दौरा करते हैं। माना जाता है कि खान ने अपने ब्लैक मार्केट के जरिए उत्तर कोरिया को भी परमाणु टेक्नोलॉजी मुहैया कराई थी। साथ ही खान ने अपनी लैब में उत्तर कोरियाई लोगों की मदद से पाकिस्तान के लिए गौरी बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाई। इसी कड़ी में लीबिया को भी परमाणु टेक्नोलॉजी बेची गई, जिसके बाद से लीबिया ने अपना परमाणु हथियार कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन इन सभी चीज़ों को 2003 में अमेरिका ने बलपूर्वक रोक दिया। अब्दुल कादिर ने 2004 में सार्वजनिक रूप से माना था कि उन्होंने दुनिया के कई देशों को परमाणु तकनीक और सामग्री उपलब्ध करवाई है। उन्होंने ईरान, उत्तर कोरिया और लीबिया को भी परमाणु हथियार बनने के लिए आवश्यक सामग्री और डिज़ाइन देने की बात कबूली थी। पाकिस्तानी सरकार ने ईरान और उत्तर कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के मामले में 31 जनवरी 2004 को अब्दुल कादिर खान को गिरफ्तार किया। हालांकि 5 फरवरी 2004 में उस वक्त के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने उन्हें क्षमादान दे दिया था। कारगिल वार के समय से ही अमेरिकी राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन के समय से ही अमेरिका के सभी राष्ट्रपति जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का ग्लोबल एपिसेंटर है। साथ ही पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है, इसी वजह से परमाणु हथियार पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों के हाथ लग सकते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है। पाकिस्तान ने पैसे लेकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को सीरिया, ईरान, इराक, लीबिया से लेकर उत्तर कोरिया को बेचा है। ऐसे में पाकिस्तान वाकई दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देश साबित हो सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अमेरिका का ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही साबित होता है। पाकिस्तान की नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति नहीं है, यह केवल पाकिस्तान के हाई कमान पर निर्भर करता है कि उन्हें कब और किस स्थिति में परमाणु हमला करना है। 1999 में पाक विदेश मंत्री ने नो फर्स्ट यूज़ वाली परमाणु पॉलिसी को नकारते हुए कहा था
कि हम अपने देश की सुरक्षा की दिशा में हर जरूरी हथियार का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। दूसरा मुख्य कारण है इसके पीछे कि पाकिस्तान को खतरनाक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ना के बराबर है। 1947 में भारत की आज़ादी और पाकिस्तान के बनने के बाद से अब तक पाकिस्तान में 3 दशक से ज़्यादा समय तक सैन्य तानाशाहों का राज रहा है। इस दौरान पाकिस्तान में 4 सैन्य सरकारें बनी हैं और सत्ता का कंट्रोल जनरल अयूब खान, जनरल याह्या खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थे। पाकिस्तान में पहली बार तख्ता पलट के बाद से हर बार एक ही कॉमन रिएक्शन सुनने को मिलता रहा है, जिसमें चुनी हुई नागरिक सरकार की अक्षमता, भ्रष्टाचार और देश के लिए खतरे के दावे को सबसे ऊपर दिखाया जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना चाहती है कि सभी मामलों में उनकी सलाह से ही सरकारें चलाई जाएं। यही वजह है कि पाकिस्तान में 75 साल में 31 प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन एक भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। पाकिस्तान में काफ़ी लंबे अरसे तक रहे सैन्य शासन ने सेना को सरकार के समूचे तंत्र में पैठ बनाने का मौका दिया है। राजनीतिक दलों, न्यायपालिका, नौकरशाही और मीडिया आज सभी वर्गों पर सेना के समर्थक हैं। 2013 में पाकिस्तान के 70 साल के इतिहास में पहली बार 5 साल के नागरिक शासन के बाद तय समय पर चुनाव हुए, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र आ गया है। लेकिन 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराया जाना सीधे तौर पर इस बात की याद दिलाता है कि पाकिस्तान को आज भी आभासी सरकार यानी कि डीप स्टेट ही चला रहा है और सरकार को अपदस्थ करने के लिए सैन्य बगावत के अलावा और कोई भी तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य कारण है पाकिस्तान को खतरनाक कहा जा रहा है वो है IS ने ओसामा बिन लादेन से लेकर दाऊद इब्राहिम तक सभी को अपने यहाँ पर शरण में रखा है हमेशा से। 1947 में पाकिस्तान की कश्मीर पर कब्जे की कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। इस युद्ध में पाकिस्तानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस की नाकामी के चलते खुफिया एजेंसी की ज़रूरत पाकिस्तान को पड़ी। 1948 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल विलियम काव थॉर्न ने ISI का गठन किया था। देखा जाए तो ISI खुफिया एजेंसी की बजाय आतंकी एजेंसी के तौर पर ज़्यादा जानी जाती है। इसमें भी अमेरिका का बड़ा हाथ है। 80 के दशक में जब अमेरिका की जासूसी एजेंसी CIA ने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की फौजों को खदेड़ने के लिए वहां मुजाहिदीनों को तैयार करना शुरू किया था, तो उनके इस काम में सबसे ज़्यादा मदद ISI ने की थी, यानी यहां से उसने आतंकियों को तैयार करने की ट्रेनिंग ली। यही लड़ाके आगे चलकर संगठित होकर तालिबान के रूप में दुनिया के सामने आए। 2011 में जब पाकिस्तान के एबटाबाद में कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन मारा गया था, तब ISI की दोहरी भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। अमेरिकी एजेंसियों ने कहा था कि ISI को लादेन के पाकिस्तान में होने की जानकारी पूरी थी, लेकिन इसे छुपाया गया। यहां तक कि कभी ISI को बढ़ावा देने वाले अमेरिका ने 2011 में एक लीक डॉक्यूमेंट में ISI को आतंकवादी संगठन कहा था। जून 2010 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने तालिबान के फील्ड कमांडर्स के हवाले से ये कहा था कि ISI के एजेंट तालिबान की सुप्रीम काउंसिल मीटिंग में शामिल होते थे। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम को भी पाकिस्तान में ISI को प्रोटेक्शन हासिल है। दाऊद का नाम इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। उन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और एक आपराधिक गिरोह ऑपरेट करने का आरोप है। अमेरिका ने 2003 में इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। भारत में प्रॉक्सी वॉर और आतंकवाद फैलाने में ISI का बड़ा रोल रहता है। ISI आतंकियों को ट्रेनिंग से लेकर हथियार और पैसे देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी गुटों को भी IS ने ही बनाया है।
इसी कड़ी में जो और कारण हैं जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, उसमें है FATF ने इसको ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को बैन कर उसके सरगना मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट करार दिया था। उस वक्त जानकारी सामने आई थी कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बैन किए गए लोगों वाला तीसरा देश है। UN ने पाकिस्तान के कुल 146 नागरिकों को बैन किया है। ये इराक अफगानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा संख्या है। UN ने बैन किए गए लोगों की पूरी डिटेल दी थी। इसमें 2611 के मास्टरमाइंड हाफिज सहीद, लश्कर ए तैयबा की जकी उर रहमान लखवी और हक्कानी के नाम भी शामिल थे। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद का नाम भी इस लिस्ट में है। 2019 में अमेरिका यात्रा के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से स्वीकार किया था कि उसके देश में 30,000 से 40,000 आतंकी हैं। UN ने जिन आतंकियों को बैन कर रखा है उनमें से कई आतंकियों को पाकिस्तान ने शह दी हुई है। FATF से बचने के लिए इन आतंकियों को समय समय पर जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जेल में भी उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ना लेने की वजह से 2008 में पाकिस्तान को पहली बार FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। इसके तहत उसे टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई करनी थी। 2009 में वह इस लिस्ट से बाहर आ गया था। 2012 में पाकिस्तान को एक बार फिर इस ग्रे लिस्ट में डाला गया। हालांकि 2015 में फिर वह बाहर निकलने में कामयाब रहा। पाकिस्तान जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था। अक्टूबर 2018, 2019, 2020, 21 और 22 में हुए रिव्यू में भी पाकिस्तान को राहत नहीं मिली। पाकिस्तान इस दौरान FATF की सिफारिशों पर काम करने में विफल रहा है। इस दौरान पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को विदेशों से और घरेलू स्तर पर आर्थिक मदद मिलती जारी है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की, तो भारत को छोड़कर पाकिस्तान से उसका हर पड़ोसी दुखी है। अफगानिस्तान साफ तौर पर पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहता है और मानता है। ईरान भी उसे अपना बड़ा दुश्मन मानता है। हिंदुस्तान में आए दिन पाकिस्तानी फेक करेंसी के माध्यम से हमारी इकॉनमी को तबाह करने में लगे हुए हैं। ड्रग्स के माध्यम से भारतीय युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश करता रहता है पाकिस्तान। ड्रोन के सहारे हथियार भेजकर जान माल का नुकसान भी करना चाहता है। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर आए दिन जो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते हैं उन्हें पाकिस्तान ही शह देता है। दुनिया भर में जहाँ भी आतंकी एक्टिविटीज़ हो रही है उनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर पाकिस्तान का कनेक्शन पाया ही जाता है। इतना सब कुछ करने के बावजूद आतंकवाद के नाम पर अमेरिका से मदद भी लेता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेना समय समय पर दूसरे देशों से भी आतंकवाद के खात्मे के नाम पर फंड लेती रही है। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमलों के बाद से दुनिया में बहुत कुछ बदला है। वहीं पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों पर जमी हुई बर्फ भी पिघली। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी देश बन गया था। इसके बदले में अमेरिका ने पाक सेना को आतंक के खात्मे के लिए खूब पैसे भी दिए। 2002 से 2015 तक अमेरिका ने पाकिस्तान की सेना को 11.4 अरब डॉलर यानी 86,000 करोड़ रुपए दिए थे। हालांकि 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान में वो है कि हिंदू और ईसाई लड़कियों का वहाँ अपहरण होता है और उनसे ज़बरदस्ती उनका निकाह करवा दिया जाता है। मानवाधिकार संस्था मूवमेंट फॉर सॉलिडेरिटी एंड पीस यानी MSP के अनुसार पाकिस्तान में हर साल 1,000 से ज़्यादा ईसाई और हिंदू महिलाओं या लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है। इसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करा कर इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह करा दिया जाता है। पीड़ितों में ज़्यादातर की उम्र 12 से 25 साल के बीच होती है। मानवाधिकार संस्था ने यह भी कहा कि आंकड़े इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों को पुलिस दर्ज ही नहीं करती। अगवा होने वाली लड़कियों में से अधिकतर गरीब तबके से जुड़ी हुई होती हैं जिनकी कोई खोज खबर लेने वाला भी नहीं होता।
पाकिस्तान का सिंध सूबा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के लिए बदनाम है। इसी सूबे में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू और ईसाई लड़कियों के ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कर निकाह कराने की खबरें आती रहती हैं। जितने भी पॉइंटर्स पर हमने आज बात की है उनसे ये कहीं ना कहीं साबित हो जाता है कि वास्तव में पाकिस्तान एक खतरनाक देश है और अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दिया है वो इन्हीं सभी आधारों पर दिया है। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।